हेलो गाइस, यह वीडियो इस क्वेश्चन के प्रीवियस वीडियो का थर्ड पार्ट है जहां पर हमने इस क्वेश्चन को चार मेथड से सॉल्व किया था। यहां पर हम ऐसे मेथड से सॉल्व करेंगे कि हमें पेन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी कि हम इस क्वेश्चन को देखकर ही पता लगा लेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, और उससे पहले इन शॉर्ट में बता दूं कि क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक नंबर है जिसको यदि हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें उसमें कितने नंबर ऑफ वंस मिलेंगे। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास गिवन नंबर है फ्रॉम द क्वेश्चन। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नंबर्स में दो नंबर ऐसे हैं जो कि आपस में मल्टीप्लिकेशन में हैं, जिसमें एक नंबर इवन है और एक नंबर ऑड है, और ये पूरे नंबर में है। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा इवन नंबर है वो डायरेक्टली हमारे इस टेबल के फॉर्मेट में फिट बैठ रहा है, जो कि 2^n के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि ये जो हमारा इवन नंबर है वो हमारे इसी टेबल से लिया गया है, हम ऐसा कह सकते हैं। और ये जो हमारा ऑड नंबर है 3, 7, 5 and 3, हमें क्या करना है कि इसे भी इस टेबल के फॉर्मेट में फिट करना है। इस तरह के क्वेश्चन में हमारे पास कुछ नंबर्स इस टेबल से दिए जाते हैं और कुछ नंबर्स को इस टेबल में फिट करने के लिए कहा जाता है। तो फाइनली कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हमें टोटल का टोटल नंबर्स इस टेबल के फॉर्मेट में फिट चाहिए। तो हम यहाँ पर बेसिकली एक ऐसे मेथड का यूज़ करने वाले हैं जिसके लिए हमें पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम सिर्फ देखकर ही बता देंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो भी नंबर हमें इस टेबल से इस क्वेश्चन में दिख रहा है हम उसे नेगलेक्ट कर देंगे, डिलीट कर देंगे, और जो बचा हुआ है सिर्फ उसे लिखेंगे। तो हमारे पास उसके बाद बच रहा है 3, 7, 5 and 3। अब हम क्या करेंगे, 3, 7, 5 and 3 को इस टेबल के फॉर्मेट में फिट करेंगे। तो हम 3 के लिए लिख सकते हैं 2+1, 7 के लिए लिख सकते हैं 4+2+1, 5 के लिए लिख सकते हैं 4+1 एंड 3 के लिए अगेन लिख सकते हैं 2+1। तो हम लिखते हैं 3 के लिए 2+1, 7 के लिए 4+2+1, 5 के लिए 4+1 एंड 3 के लिए 2+1। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि इन नंबर्स को काउंट करेंगे और देखेंगे कि कितने नंबर्स ऑफ डिजिट यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। यहाँ जितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे उतने नंबर ऑफ वंस हमारे इस गिवन क्वेश्चन के नंबर में बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में मिलेंगे। तो हम काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। तो हमें यहाँ से मिल गया नंबर ऑफ वंस इज इक्वल टू 9। यहाँ से हमारा आंसर मिल गया 9। मेथड 6, इस मेथड में हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारे पास ऑड नंबर बचा हुआ था यानी कि 3, 7, 5 and 3, हम इसे 2^n के फॉर्मेट में फिट करने वाले हैं। तो हम 3 को इस टेबल से लिख सकते हैं 2+1, और 2+1 को हम 2 के लिए 2^1 और 1 के लिए 2^0 लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 3 के लिए 2^1+2^0। 7 के लिए हम लिख सकते हैं 4+2+1, तो हम इसे लिखेंगे 2^2+2^1+2^0। 5 के लिए हम लिख सकते हैं 4+1, तो हम इसे लिखेंगे 2^2+2^0। एंड 3 के लिए लिख सकते हैं 2+1, तो
तो हम इसके लिए लिख सकते हैं 2^1 + 2^0। तो हमारा ये नंबर 2^n के फॉर्मेट में आ चुका है। अब हम इसे काउंट कर लेंगे, ये जितने नंबर ऑफ टू होंगे उतने नंबर ऑफ वंस हमारे गिवन नंबर के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में होंगे। तो हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। तो हमारे पास यहाँ भी नंबर ऑफ वंस आए हैं 9। मेथड 7, हम इस मेथड में क्या करने वाले हैं कि हमारे पास जो गिवन नंबर है यानी कि 3, 7, 5 and 3 हम इसे इस टेबल के फॉर्मेट में सबसे पहले फिट करेंगे। तो हम 3 के लिए लिखेंगे 2 + 1, 7 के लिए लिखेंगे 4 + 2 + 1, 5 के लिए लिखेंगे 4 + 1 और 3 के लिए लिखेंगे 2 + 1। अब हम देखेंगे कि हमारे नंबर के पास कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं। तो 3 के पास डिजिट हैं 2, 7 के पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट हैं 3, 5 के पास 2 एंड 3 के पास 2। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जितने नंबर ऑफ डिजिट है उन सभी को सम कर देंगे और जितना होगा उतना ही नंबर ऑफ वंस हमारे इस नंबर के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में होगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ वंस हैं 2, 3, 5, 2, 7 and 2, 9। तो हमारे इस मेथड से भी आंसर आया 9। मेथड 8, हम इस मेथड में क्या करने वाले हैं कि जो हमारे पास गिवन नंबर में से ऑड नंबर था उसका डायरेक्टली हम बाइनरी नंबर फाइंड करने वाले हैं। तो हमारे पास नंबर है 3, 7, 5 and 3। अब हम जानते हैं कि 3 के लिए हमारा बाइनरी नंबर होगा 0, 1, 1, देन 0, 1, 1। 7 के लिए हमारा बाइनरी नंबर होगा 1, 1, 1, देन 1, 1 and 1। 5 के लिए हमारा बाइनरी नंबर होगा 1, 0, 1, देन 1, 0, 1 एंड 3 के लिए अगेन हमारा बाइनरी नंबर होगा 0, 1 and 1। अब हम इस बाइनरी नंबर में से नंबर ऑफ वन काउंट कर लेंगे, जितने नंबर ऑफ वंस यहाँ होंगे उतने नंबर ऑफ वंस हमारे इस नंबर के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में होंगे। तो हम काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। तो यहाँ पर से हमारा नंबर ऑफ वंस निकला है 9। तो हमारा इस मेथड से भी आंसर आया है 9। तो फाइनली ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर हम बिना पेन के यूज़ किए आंसर निकाल सकते हैं, सिर्फ हमें यह जानना होगा कि कौन सा नंबर हमारा सीधे टेबल से होके आ रहा है, उस नंबर को हम डिलीट कर देंगे और बाकी बचे हुए नंबर को टेबल के फॉर्मेट में फिट करेंगे। वो डायरेक्टली हम अपने मन से ही कर सकते हैं और सीधे आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पर जैसे कि 3 × 5 = 2 है, एक इवन है एक ऑड है, यहाँ पर दो इवन भी हो सकते हैं जैसे कि 4 and 5 = 2। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, जो ग्रेटर वैल्यू है उसको डिलीट करना होगा, उसको नेगलेक्ट करना होगा और जो लो वैल्यू का है यानी कि 4 होगा उसको हमें लेके उस पर काम करना होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।